आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आज से खुलेंगे सरकारी दफ्तर। जुमे की नमाज पर प्रशासन की नजर। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनात की गई है। जम्मू कश्मीर में धारा 144 लागू है, जिसमें पिछले शुक्रवार को ढील दी गई थी। केंद्र शासित प्रदेश में अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर सचिवालय और अन्य सरकारी दफ्तर शुक्रवार को खुलेंगे। कर्नाटक और केरल में बाढ़ का कहर, अब तक 166 लोगों की मौत। कर्नाटक और केरल में बारिश और बाढ़ से अब तक 166 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक के 22 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि केरल के आधा दर्जन से अधिक जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। कर्नाटक में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 62 हो गई है। केरल में अब तक 104 लोगों की मौत हो चुकी है और 36 लोग लापता है। फोन सेवा बहाल करने पर आज होगा फैसला। सरकार के सूत्र ने कहा कि सुरक्षा की समीक्षा के बाद सरकार शनिवार से कश्मीर घाटी में चरणबद्ध तरीके से लैंडलाइन फोन शुरू कर सकती है। आज शाम सुरक्षा को लेकर अहम बैठक होगी, जिसके बाद फोन सेवा बहाल किए जाने पर फैसला लिया जाएगा। घाटी में पिछले 5 दिनों में कोई हिंसा नहीं हुई है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।